नमस्कार, मैं हूं तुषार खंडकर और टोक्यो ओलंपिक से आज आई दो बड़ी खबरें। सबसे पहले करते हैं मेडल की बात। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने भारत के नाम किया दूसरा पदक। उन्होंने चाइना की ही बिंग जियो को 21-13, 21-15 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। पीवी सिंधु ओलंपिक्स के व्यक्तिगत इवेंट में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। आज का दिन हॉकी के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है। 1972 के बाद पहली बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल्स में जगह बनाई है। भारत ने आज के क्वार्टर फाइनल्स में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराया। भारत की ओर से दिलप्रीत, गुरजंट और हार्दिक ने एक एक गोल किए। भारत को ओलंपिक्स में बतौर खिलाड़ी और कोच रिप्रेजेंट करने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि आज का दिन हमारी टीम और पूरे देश के लिए कितना गर्व से भरा है। आज टोक्यो ओलंपिक्स में 5 स्पोर्टिंग इवेंट में भारत ने भाग लिया। कहीं मेडल आया, कहीं रिकॉर्ड बने तो कहीं निराशा भी हाथ लगी। बॉक्सिंग में सतीश कुमार 91 किलो कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी से 0-5 से हार गए। वहीं गोल्फ में अनिर्बान लहरी और उदयन माने ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। एक्वेस्ट्रियन में क्रॉस कंट्री इवेंट में फवाद मिर्जा और उनके घोड़े सिग्नोर मेडिकोट 11.20 पेनल्टी पॉइंट्स के बाद 22वें स्थान पर रहे। इसी के साथ आगे के ओलंपिक्स कवरेज के लिए कल हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। जीत का पदक, जीत का पदक।